आज हम बनाएंगे महाराष्ट्र की ट्रेडिशनल डिश कोथमीर बड़ी। ये बड़ी खाने में बहुत ही टेस्टी बनती हैं और इन्हें बनाना एकदम आसान है। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पीएम रसोई में। कोथमीर बड़ी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने मिक्सिंग बाउल लिया है। बाउल में हम 150 ग्राम के करीब बेसन डालेंगे। जितना हमने बेसन लिया है उसका चौथाई हिस्सा इसमें हमें चावल का आटा डालना है। चावल के आटे से जो बड़ियाँ हैं बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी। अब इसमें हम एक छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स डाल देते हैं। 2 चम्मच इसमें हम दरदरा कुटा हुआ अदरक और हरी मिर्च डालेंगे। 3 हरी मिर्च ली है, 2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, इसे अच्छे से दरदरा कूट लिया है। अब इसमें हम आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देते हैं और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब इसे थोड़ा सा खट्टा बनाने के लिए इसमें हम 1/4 कप दही डाल देते हैं। ये दही हल्का सा खट्टा है इसलिए मैंने कम लिया है। यदि आप फ्रेश ले रहे हैं तो आप आधा कटोरी भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसे हमें अच्छे से मिलाना है ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना हो, तो पहले कम ही पानी डालिएगा ताकि ये अच्छे से फिट जाए। और ये देखिए बिल्कुल बढ़िया सा फिट गया है, इसमें कोई लम्स नहीं आए हैं। तो अब हम बाकी का पानी भी इसमें डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी बेसन लिया था और उसका चौथाई हिस्सा चावल का आटा लिया था। टोटल मैंने 1/4 कटोरी लिया था, उसी हिसाब से मैंने इसमें 2.5 कटोरी पानी डाल दिया है। ये बिल्कुल परफेक्ट है। अभी हम इसे 5 मिनट के लिए रख देते हैं ताकि सेट हो जाए। तब तक हम प्लेट ग्रीस कर लेते हैं जिसमें हमें बड़ी को जमाना है। तो यहाँ पे मैंने तेल डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से चारों तरफ फैला लेते हैं। तो ये देखिए प्लेट तैयार है। अब हम बड़ियों को बना लेते हैं। तेल गर्म हो चुका है तो गैस की फ्लेम को हम धीमा कर देते हैं और इसमें 1/2 छोटा चम्मच राई डाल देंगे। 1/2 छोटा चम्मच इसमें जीरा डाल देते हैं। ये सभी चीज़ें अच्छे से चटक गई हैं तो इसमें हम 2 पिंच हींग डाल देते हैं। हींग का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। अब इसमें हम 2 छोटा चम्मच सफ़ेद वाली तिल डालेंगे। तिल डालने से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तिल को हल्का सा चलाते हुए पका लेंगे। ये पक गया है तो अब इसमें हम भुनी हुई मूंगफली डालेंगे। तो मैंने मूंगफली को भून कर इनका छिलका निकाल कर इसे दरदरा कूट लिया है, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इसे भी हम कुछ सेकंड के लिए चला लेते हैं। मूंगफली भुनी हुई है तो बहुत ज़्यादा इसे नहीं भूनना है। तो ये देखिए ये भी भुन गई है। तो अब इसमें हम धनिया की पत्ती डाल देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 200 ग्राम के करीब धनिया की पत्ती ली है। धनिया की पत्ती के डंठल को निकाल दिया है और पत्तियों को छांटकर धोकर बारीक काट लिया है। अब इसे भी हमें कुछ सेकंड के लिए भून लेना है ताकि इसका भी फ्लेवर बढ़िया सा आ जाए। तो ये देखिए धनिया की पत्ती भी हमारी सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब इसमें हम गरम मसाला डाल देते हैं। 1/2 छोटा चम्मच के करीब मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया है। इसे भी अच्छे से मिला लेंगे ताकि मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए मिक्स हो गया है। तो अब इसमें हमें बेसन वाला घोल डालना है। तो घोल को पहले हम एक बार अच्छे से चला लेंगे ताकि बेसन तले में बैठा होता है तो अच्छे से मिक्स हो जाए। और गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। गैस की फ्लेम मीडियम करके ही डालिएगा, नहीं तो इसमें लम्स आ जाएंगे। अब इसे हम तुरंत ही चलाएंगे। अब इसे हमें लगातार चलाते रहना है और गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है ताकि इसमें कोई लम्स ना आए। ये बहुत ही जल्दी गाढ़ा होने लगता है और ये देखिए 1 मिनट भी नहीं हुए हैं और ये गाढ़ा होने लगा। तो इसे हम लगातार चलाते हुए पका लेंगे ताकि बढ़िया सा गाढ़ा हो जाए। और ये देखिए कितना गाढ़ा हो गया है, बहुत ही जल्दी ये पक जाता है। और ये देखिए पैन को भी छोड़ने लगा है, बस इतना ही हमें इसे पकाना है। तो इसे मैं इकट्ठा कर लेती हूँ और गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। और अब इसे हम सेट होने के लिए रख देंगे। तो जो हमने प्लेट रखी है ग्रीस करके, इसी में हम सारा बैटर डाल देते हैं। और ये देखिए कितने अच्छे से ये पैन को छोड़ रहा है, बहुत ही अच्छे से पक गया है। जब ये अच्छे से पक जाता है तो पैन को छोड़ने लगता है, कोई दिक्कत नहीं होती, ये बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। अब इसे हम अच्छे से फैला देंगे सारी प्लेट में। ये देखिए इस तरह से इसे हमें मोटा ही रखना है, पतला नहीं करना है ज़्यादा। तो देखिए मैंने इसे अच्छे से सेट कर दिया है। इसे हम 10 मिनट के लिए रख देते हैं ताकि ये बढ़िया सा सेट हो जाए। 10 मिनट में ये अच्छे से सेट हो जाता है, फिर 10 मिनट बाद इसे हम चेक करेंगे। तो ये देखिए 10 मिनट हो गया है, ये बढ़िया सा सेट हो गया है, ये किनारों को छोड़ने लगा है। तो अब इसे हम कट कर लेते हैं। तो आपको इसकी जो शेप काटनी हो आप काट लीजिएगा, मैं इसके चौकोर पीस काट रही हूँ। ये देखिए कितने आसानी से ये कट रहा है। तो मैंने इसे दोनों साइड से कट कर लिया है। अब इसके मैं पीस निकाल के आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा इसका पीस निकल कर आया है। ये देखिए कितनी आसानी से ये निकल रहा है, बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा, बहुत ही अच्छा बना है। आप चाहो तो इसे ऐसे भी खा सकते हो, बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन हम इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और ये देखिए सारे पीसेस को मैंने निकाल के रख लिया है, तो चलिए इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर पैन में मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया है। आप चाहो तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हो या थोड़ा सा 2 चम्मच तेल डाल के भी फ्राई कर सकते हो। मैंने इसमें थोड़ा सा तेल डाला है।
अब इसमें हम सभी पीसेस को डाल देते हैं, जितने पीसेस इसमें आ जाएं। और ये देखिए सभी पीसेस को मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसे हम आधा मिनट एक साइड पकने देते हैं, आधा मिनट बाद इसे हम दूसरी साइड में पलट देंगे। तो ये देखिए आधा मिनट हो गया है, तो मैंने इसे दूसरी तरफ पलट दिया है। तो सारे पीसेस को हमें पलट देना है ताकि ये दोनों साइड अच्छे से सीखें। तो ये देखिए मैंने सभी पीसेस को पलट दिया है। अब दूसरी तरफ भी हम आधा मिनट तक सिकने देते हैं। इसी तरह हम दोनों तरफ पलटते पलटते हुए अच्छे से सेक लेंगे। अब इसे हम फिर से दूसरे साइड पलट लेते हैं ताकि ये कुरकुरे बढ़िया अच्छे से फ्राई हो जाएं। तो ये देखिए मैंने इसे दोनों तरफ एक से दो बार पलटते हुए सेक लिया है। ये बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी फ्राई हो गए हैं। तो अब इसे हम निकाल लेते हैं और बाकी के पीसेस को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए इसे मैंने सर्व कर लिया है। मैंने इसे टमाटर केचप और धनिया की चटनी के साथ सर्व किया है। बहुत ही टेस्टी लगते हैं इनके साथ खाने में। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा। बेल आइकॉन की बटन प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।